बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये सवाल आया मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर लगे हुए, तीन सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी कनेक्टेड हैं एज शोन इन फिगर 6.1। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एट 1.5 किलो वाट एंड 240 वोल्ट्स एंड मे बी अज्यूम टू हैव कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट की सप्लाई। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। बिल्कुल बेसिक हो गया ये, पी जी को सू वी आई लगा दो, पावर पता है, वोल्टेज पता है, फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। अच्छा, इसके अलावा और कुछ लगा सकते हैं? हमें वैसे बेसिकली रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर पी, दैट इज़ जो भी है 240 स्क्वायर ओवर 1.5 एक्सपोनेंट 3। इसका आंसर निकाल लो तो ये बन जाएगा 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट 3, तो ये 38.4 ओम्स की रेजिस्टेंस आ गई है। ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब अगला पार्ट आ रहा है, द स्विचेस S1, S2 एंड S3 में भी ईदर ओपनड और क्लोज्ड। अच्छा, ओपन का मतलब होता है, ज़रा पहले देख लो, अगर एक ये सर्किट है और यहाँ पे वो लगा हुआ है स्विच, ओपन का मतलब है ऐसे है, दिस इज़ योर ओपन सर्किट, मतलब एक बेसिकली सर्किट नहीं चल रहा और ये आपका क्लोज है, इसमें बंद हुआ है, ये आपका क्लोज सर्किट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लो हो रही है। सबसे पहला देखते हैं, S1 ओपन है, S2 क्लोज है, S3 भी क्लोज है। S1 ओपन है, खुला हुआ है भाई ये, जब यही खुला हुआ है तो बेसिकली सर्किट ही नहीं चल रहा, तो इसका आंसर तो मेरे पास डायरेक्ट ही ज़ीरो हो जाएगा। अगले पर आओ, S1 S2 क्लोज हैं, S3 ओपन है। अच्छा, अब S3 ओपन हो गया ये, तो बेसिकली अब ये खुला हुआ है, ये बंद है और ये बंद है, तो बेसिकली सर्किट तो पूरा चल रहा है और सर्किट शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आएगा, इधर से निकल जाएगा। तो अभी जितनी पावर सप्लाई जा रही, पावर जा रही है, वो सब ए से जा रही है और कहीं से नहीं जा रही है। तो इस वाले केस में मेरा आंसर 1.5 एक्सपोनेंट 3 किलो, अच्छा सॉरी किलो दिया हुआ है, तो आपको बस 1.5 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि किलो वाट्स यूनिट ऑलरेडी दिया था। अगर यहाँ 1500 लिख दो गलत हो जाएगा। अगले बार आओ, तीनों क्लोज हैं। अच्छा, कंडीशन अब ये बन गई है, तीनों क्लोज हो गए हैं, ये भी बंद हो गया है, ये भी बंद हो गया है, ये भी बंद हो गया है, तो फिर से यहाँ से करंट जाएगा, इधर से निकल जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो बेसिकली अब ए में से जा रहा है और सी में से जा रहा है, और ए और सी आपस में अगर आप देखें तो ये पैरेलल बन गए हैं ये, तो पैरेलल में मेरे पास पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं पैरेलल बनने के बाद, तो एक की पावर 1.5 है, तो दो की पावर 3 किलो ओम हो जाएगी, किलो वाट सॉरी 3 हो गया ये। अच्छा, अब अगले पर आओ ज़रा, इसको मिटा लूँगा। अगला बोल रहा है क्लोज ओपन ओपन, ये क्लोज है, ये ओपन हो गया है और ये ओपन हो गया, मतलब अब करंट जाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया, ये वाला। तो इसमें पावर्स मेरे पास हो जाती हैं डिवाइड, पावर से मेरे पास डिवाइड हो गई, तो बेसिकली अब इसमें आधा वोल्टेज आ रहा है, इसमें आधा वोल्टेज आ रहा है, तो इस वजह से पावर डिवाइड हुई है बेसिकली। तो अब ये आधी रह जाएगी इसकी, इसमें से करंट नहीं जा रहा, छोड़ दो इसको, इन दो में से जा रहा है, तो ये बेसिकली कितना रह गया, 1.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 0.75 शायद, इतना ही कुछ होगा, देख लेना। क्लोज ओपन क्लोज, अच्छा भाई, क्लोज ओपन क्लोज, क्लोज ओपन क्लोज। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी जा रही है, तो इन दो की जो पावर थी मिला के वो 0.75 थी, इस वाले भाई की 1.5 है, तो टोटल मिला के 0.75 प्लस 1.5 कर लो, तो ये कितनी है,
2.25 बन रही है, ये सीन है।